नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवाइस न्यूज और मैं आपके साथ जोयशा सर्वाधिकारी। नावाड़ी बोकारो से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट। बेरमो प्रखंड भाजपा के तत्वावधान में बोकारो थर्मल भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया और कार्यक्रम परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा के बोकारो जिलाध्यक्ष भरत यादव ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बंगाल प्रांत के संभ्रांत परिवार में जन्म लिए मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवादी महान शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक के साथ साथ जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष और आज़ाद भारत में देश की एकता और अखंडता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले प्रथम बलिदानी थे। आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग का आतंक और अंग्रेजों के षड्यंत्र के आगे घुटना टेक चुकी कांग्रेस धर्म के आधार पर देश का बंटवारा और संपूर्ण पंजाब एवं संपूर्ण बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के चातुर्य और संघर्ष के कारण हिंदू बहुल पंजाब एवं बंगाल को भारत में शामिल किया गया। आज़ादी के बाद नेहरू और शेख अब्दुल्ला का अनैतिक गठजोड़ के कारण कश्मीर में लागू परमिट व्यवस्था को समाप्त करने और एक विधान एक प्रधान एक निशान की मांग को लेकर डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर गए। कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहे जाने वाले शेख अब्दुल्ला ने उन्हें जेल में डाल दिया, जहां कुछ दिनों बाद 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए अमर बलिदानी डॉक्टर मुखर्जी सदैव स्मरणीय रहेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गर्व होना चाहिए कि कश्मीर में विभेद करने वाला लागू धारा 370 एवं 35A को समाप्त कर डॉक्टर मुखर्जी बलिदान को सार्थक और उनके सपनों को साकार किया है। ऐसे अमर बलिदानी को स्मरण करने के लिए भाजपा बूथ स्तर पर 23 जून को बलिदान दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी की स्मृति में उनका बलिदान दिवस 23 जून से उनका जन्मदिन 6 जुलाई तक रचनात्मक कार्य के रूप में वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन भाजपा के बेरमो प्रखंड अध्यक्ष संजय प्रसाद ने किया। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला महामंत्री विश्वनाथ यादव, जिला मंत्री भैरव महतो, भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह, जिला सोशल मीडिया प्रभारी कुमार प्रमोद, संजय मिश्रा, शिव कुमार राम, सीमा देवी, बाल गोविंद महतो, अमरदीप साव, प्रफुल्ल ठाकुर, दिलीप राम, मृत्युंजय साव, तापेश्वर ठाकुर, सुनीता सिंह, प्रेम सिंह आदि उपस्थित थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ाद भारत में देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आप जानते हैं कि कश्मीर में जो परमिट सिस्टम था, वहाँ अलग विधान, अलग निशान, अलग प्रधान की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को हटाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उस परमिट को तोड़कर कश्मीर में प्रवेश किए, जहाँ पर उनको शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गिरफ्तार किया और जेल में डाला। और 23 जून 1953 को एक रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। आज पूरे देश में, पूरे झारखंड में, पूरे बोकारो जिला में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके बलिदान दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम लोगों को इस बात का गर्व है कि जिन बातों को लेकर, जिन मांगों को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सपनों को साकार कर रही है।
काश्मीर में धारा 370 हटा करके उनके सपनों को साकार किया है और आज कश्मीर पूर्णतः भारत का अभिन्न अंग है। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.